कि जनता जब वोट देता है ना तो विकास चाहता है, विकास तो हो नहीं रहा है। रोड कई दिन चलेगा? दो महीना से ज्यादा नहीं चलेगा ये रोड। 80 लाख का टेंडर पास हुआ है, 2 लाख रुपया खर्चा किया है, बाद बाकी पैसा को खा पी के मटिया गया। बागे क्षेत्र के अंतर्गत पिठोरिया बालू इलाके में जहां पे सड़क का निर्माण कराया गया है, वहीं सरकार ने 80 लाख का टेंडर पास किया था, पर सड़क देखने से तो लग नहीं रहा है कि वो 80 लाख का टेंडर पास गया सड़क है। कहीं ना कहीं यहां पे जनताओं में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। यहां के मुखिया हो या फिर यहां के जिला परिषद हो, वो काफी ज्यादा आक्रोश नजर आ रहे। यहां की जनताओं का कहना है कि सड़क की परत इतनी पतली है कि हाथ से भी उसे उखाड़ सक रहे हैं यहाँ के लोग, और काफी ज्यादा गुस्से में भी नजर आ रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि इन लोगों की खून पसीने की कमाई सरकार टैक्स के रूप में लेती है, पर कहीं ना कहीं इन्हें सुविधा भी प्रोवाइड नहीं करती है। हम मिलवाएंगे उन लोगों से और आपको बात करवाएंगे कि किन किन दिक्कतों का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है, हालांकि यहाँ पे महिलाएं हो या पुरुष हो। हालांकि आप अच्छे से इस चीज को जानते हैं कि बरसात के मौसम में अगर किन्हीं को ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है तो वो ग्रामीण इलाके के लोग होते हैं। बरसात के समय में काफ़ी ज़्यादा सड़क ख़राब होने की वजह से ये लोग जल्दी बाहर भी नहीं निकलते। हालांकि हम यहाँ पे लोगों से मिलेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहेंगे। ये सड़क जो है, सड़क बनाने वालों पे आप लोग का पूरा तरह से आरोप है कि वो 2 लाख की भी सड़क नहीं बनाई है। हाँ, तो कहने सही बात है। कहने का ये मतलब है कि जनता जब वोट देता है ना तो विकास चाहता है, विकास तो हो नहीं रहा है। 80 लाख का टेंडर पास हुआ है, 2 लाख रुपया खर्चा किया है, बाद बाकी पैसा को खा पी के मटिया गया। यहाँ का जनता को दिक्कत होता है, रात बिकार को बड़ बीमारी होता है तो आदमी को तकलीफ होता है। ये रोड कई दिन चलेगा? दो महीना से ज़्यादा नहीं चलेगा ये रोड, 2 महीना से ज़्यादा नहीं चलेगा। अब बताइए, जनता कैसे विश्वास करेगा और कैसे वोट देगा, बताइए है कि नहीं? गलत बोल रहे हैं तो बोलिए। लगता है किन किन सामग्रियों का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया होगा? काफी चीजें यहाँ लगती है, हालांकि यहाँ पे अलकतरा भी नहीं बिछा दिख रहा, ना तो यहाँ पे रोलिंग किया गया है। हाँ, तो वही तो बोले 2 महीना नहीं चलेगा। इसको गिट्टी का जो डस्ट होता है ना, चूर होता है ना, उसको ऊपर से डाल दिया है, हल्का अलकतरा चटा दिया है। डस्ट डाल के हल्का अलकतरा चटा दिया है। हमारे साथ यहाँ पे एक बुजुर्ग मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि क्या कहेंगे। सड़क खराब बनाया है, कितना दिक्कत होता है चलने में? बहुत दिक्कत होता है। बरसात में कितना दिक्कत होता है चलने में? सेखना और इतना कब चलते हो, इतना पैर घुस जाता है मिट्टी पे। कहाँ बोलेंगे सड़क बहुत खराब बनाया है, कहाँ बोलेंगे आप? हम तो कहो खराब बनाया है, देख रहे हैं यहाँ पर खराब ही नजारे में दिख रहा है। बाद जो है पानी डाल दिया मोबिल का जगह में, अलकतरा भी नहीं डाला, और उसके बाद जो है अलकतरा ऊपर से खाली मोबाइल चिप्स को जो है बनाया, और उसके बाद जो है डस्ट ऊपर से डाल के यार रोल दिया है। अब बताइए ऐसा रोड बनेगा? तो ऐसा रोड नहीं चाहिए हम लोग, जो है एकदम पूरा अच्छा से रोड चाहिए, और नहीं तो हम लोग जो है ये काम नहीं करने देंगे। अब क्या कहना चाहते हैं मुखिया? आप लोगों की बात मान रहे हैं? हाँ, मुखिया अभी मान रहे हैं हम लोग का बात। आके मुखिया भी देखे, वार्ड सदस्य भी देखे, पंचायत समिति भी देखे, उसके बाद जिला परिषद भी आए, वो भी देखे। वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, रोड नहीं चलेगा, हम लोग को रोड अच्छा से बनना चाहिए, अच्छा रोड होना चाहिए। क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं आप लोग का पैसा खाया जा रहा है? एकदम बिल्कुल खाया जा रहा है। 2 लाख रुपया का मात्र रुपये काम किया है, और 80 लाख रुपया का टेंडर हुआ है, और इसमें जो है अभी तो हाँ 4 किलोमीटर तक जो है सो रोड बना के लोग जो है सो एकदम धड़ाधड़ 3 रोज के अंदर में जो है रोड को निकाल दिया है। वो जो है ना मैम, वो सब दिखावा है नेता लोग का कि देखने आया था, चाहे प्रखंड अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे क्या बोलते हैं उसको जिला परिषद हो, सब अपना सेटलमेंट कर लिया है। महिलाएं भी मौजूद है, हम महिलाओं से भी जानेंगे कि क्या कुछ कहेंगी। आप लोग का सड़क इतना बुरा तरह से बनाया गया, फिलहाल अभी तो बना है, लेकिन जब बना नहीं था तो कितना दिक्कत होता था? बहुत दिक्कत होता था। क्या क्या दिक्कत होता था? कभी पानी लाने में, पानी लाने में, जैसे बरसात में पूरा घर में पानी घुस जाता था, एक तरफ क्या बोलते हैं कि एक साइड ऊंचा एक साइड नीचा हो जाता था। अभी भी बनाया वैसा ही,
इधर अभी दहना साइड ऊंचा है और बायां साइड नीचा है, अब पानी आ गया तो सूरत धुला जाएगा, ये रहेगा नहीं, ये रहने वाला नहीं है, ये तो पानी आने के बाद धुला जाएगा जी। गाड़ी चलेगा पानी आने के बाद धुला जाएगा। क्या चाहते हैं, कैसा सड़क बने? अच्छा थोड़ा मोटा मोटा रोड बने जैसा रोड बनता है, जैसा रोड बनता है वैसा ही रोड बने, मोटा हो, दिक्कत ना हो। हाँ आदमी को दिक्कत, यहाँ देहात है तो गाय गरु भैंस काड़ा गरु सब चलता है, गाड़ी मोटर 24 घंटा चलता है। तो जैसा कि हमने यहाँ के लोगों से बातें की कि कितना ज्यादा आक्रोश नजर आ रहा है, वही हम आपको दूसरी ओर रोड की परत को दिखाएंगे कि किस तरह से मटेरियल से इस रोड का निर्माण कराया गया। और हालांकि आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि रोड जो है, ये सड़क कितनी बुरी तरह से जो है बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि ये 4 दिन भी ये जो सड़क है ये टिकेगी नहीं। ऊपर की परत देख सकते हैं आप कि किस तरह से ये छूटता हुआ जो है नजर आ रहा है। वही हम आपको दूसरी ओर दिखाएंगे कि ये जो है ना तो ये सड़क को यहाँ पे साफ किया गया है सही ढंग से, और ना ही यहाँ पे अलकतरा का इस्तेमाल ढंग से किया गया। हालांकि यहाँ के ग्रामीण लोगों का कहना है कि यहाँ पे पानी का इस्तेमाल करके ये जो सड़कें हैं ये बनाई गई है। हालांकि आप देख सकते हैं कि किस तरह से